Hello friends, today we are taking a new topic that is an SDN application plane. के three types of plane हमने देखे थे कि जो control plane, data plane and third is an application plane. कि तीन type में से third वाला जो type है हमारा वो देखेंगे हम the SDN application plane. इसके अंदर क्या क्या होने वाला है हम diagram देखेंगे. Accordingly diagram उसके कौन कौन से different functions and interface है सभी हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है चैप्टर है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क इस सब्जेक्ट में से लिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट करते. तो व्हाट इज एन एसडीएन एप्लीकेशन प्लेन कि क्या हम बता सकते हैं कि एप्लीकेशन प्लेन इन द सेंस क्या हो सकता है. द एप्लीकेशन प्लेन कंसिस्ट एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट डिफाइन मॉनिटर कंट्रोल अ नेटवर्क रिसोर्स एंड बिहेवियर. के एप्लीकेशन प्लेन के अंदर क्या होने वाला है कि डिफरेंट नंबर्स ऑफ सर्विसेज एप्लीकेशंस एंड उसको किस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं एंड डिफरेंट नेटवर्क रिसोर्सेस को हम कंट्रोल करेंगे एंड उसका जो बिहेवियर है उसको वॉच करेंगे. जैसे लाइक क्या कोई भी एक एप्लीकेशन हो सकता है API हो सकता है इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या नेटवर्क के अंदर क्या क्या हो रहा है. जैसे लाइक आपका मोबाइल फ़ोन भी एक उसमें से एप्लीकेशन को यूज कर सकता है. जैसे लाइक उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डिफाइन करेंगे जिसके थ्रू जो भी नेटवर्क के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसके अंदर हमें पता चलने वाला है. देन मॉनिटर उसको वॉच करेंगे लॉग रिकॉर्ड होगा या डिफरेंट कोई भी नंबर्स ऑफ इवेंट्स एक्टिविटी होंगे सभी हम उसके अंदर वॉच कर सकते हैं. देन कंट्रोल नेटवर्क रिसोर्सेज जितने भी नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज ओके जैसे लाइक स्विच हब राउटर्स एंड मेनी अदर्स कंपोनेंट्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेस है उसको हम क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे एंड उसका जो बिहेवियर पैटर्न होगा कि किस तरह से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है ओके और मल्टीपल बिहेवियर पैटर्न हो सकते हैं तो सभी पैटर्न हम क्या करेंगे इसके अंदर रिकग्नाइज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट दिस एप्लीकेशन इंटरैक्ट विद द एसडीएन कंट्रोल प्लेन वाया एप्लीकेशन कंट्रोल इंटरफेस फॉर द एसडीएन कंट्रोल लेयर टू ऑटोमेटिकली कस्टमाइज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी नेटवर्क रिसोर्सेज. कि जैसे कि आपको जो डायग्राम है वो याद ही होगी. डायग्राम याद नहीं होगी तो आप लास्ट वाले सेशन के वीडियो देख सकते हैं फॉर अ डायग्राम जिसके अंदर हमारे जो कंट्रोल लेयर डेटा लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर थे. तो एप्लीकेशन लेयर कहा था हमारे टॉप में देन सेकेंडरी इज एन कंट्रोल लेयर एंड लास्ट में हमारा डेटा प्लेन लेयर ओके. सो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करना होगा विद द डेटा. सो हमें गो थ्रू किसके थ्रू जाना पड़ेगा हमारे कंट्रोल प्लेन के साथ. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि एप्लीकेशन लेयर इज इंटरैक्ट विद कंट्रोल प्लेन. कि एप्लीकेशन प्लेन को हमारे कंट्रोल प्लेन से इंटरैक्ट होना पड़ेगा. कंट्रोल प्लेन अगेन इंटरैक्ट विद डेटा एंड एप्लीकेशन दोनों से इंटरैक्ट होगा एंड जो लास्ट हमारा डेटा प्लेन होगा वो सिर्फ हमारे कंट्रोल प्लेन से कम्युनिकेट करेगा. जैसे लाइक एप्लीकेशन प्लेन हमारा हम कंट्रोल प्लेन से कम्युनिकेट हो रहा है. द प्रोग्रामिंग ऑफ एसडीएन एप्लीकेशन मेक यूज द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द एसडीएन कंट्रोल लेयर बाय मींस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा मॉडल एक्सपोज वाया एप्लीकेशन कंट्रोल इंटरफेस. ओके अभी इससे क्या हो रहा है देन नेक्स्ट द एसडीएन एप्लीकेशन क्या कर रहा है हमें एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा है कि एक प्रॉपर व्यू दे रहा है या फॉर्मेट दे रहा है जैसे कि ग्राफ बोल सकते हैं या स्पेसिफिकली वैल्यूज बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो नेटवर्क के रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं या नेटवर्क की ट्राफिक किस तरह से हो रही कि कम हो रही है ज़्यादा हो रही है तो वो सभी ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर व्यू कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें चेंजेस करने होंगे हमारे नेटवर्क के अंदर या बिहेवियर पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस करने होंगे सभी हम इसके अंदर कर सकते हैं. तो देन नेक्स्ट हम जाते हैं कि जो डायग्राम हमारे पास है फॉर एन एसडीएन एप्लीकेशन प्लेन की डायग्राम क्या है इन द सेंस जो एसडीएन एप्लीकेशन प्लेन का आर्किटेक्चर है और एसडीएन एप्लीकेशन प्लेन फंक्शन एंड इंटरफेस का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है.
दो टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकते हैं, दोनों के लिए भी सेम डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा. फर्स्ट इज एन एस डी एन एप्लीकेशन प्लेन इन आर्किटेक्चर एंड सेकेंडरी इज एस डी एन एप्लीकेशन प्लेन फंक्शन एंड इंटरफेस. कि इसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस दिए गए एंड नंबर्स ऑफ इंटरफेसेस. कि फंक्शंस कौन कौन से इसके अंदर, जैसे कि डेटा सेंटर हो सकता है, यूजर इंटरफेस हो सकता है, सॉरी डेटा सेंटर नेटवर्किंग, मोबाइलिटी, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक सेंट्रिक नेटवर्किंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंसी. ओके, डिफरेंट नंबर्स ऑफ फंक्शंस है इसके अंदर. और इंटरफेस इसके अंदर कौन कौन से है, इंटरफेस जस्ट लाइक यूजर इंटरफेस, देन नेटवर्किंग इंटरफेस, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस. नॉर्थ बाउंड के अंदर दो इंटरफेस हमारे हमें देखने को मिलने वाले, वन इज एन लोकल एंड अनदर इज एन रिमोट. कि दोनों टाइप्स के भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है. देन और एक इंटरफेस है, दैट इज द नेटवर्क सर्विसेज एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स. उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है लेयर्स के अकॉर्डिंगली. देन नेक्स्ट इंटरफेस हमारे पास है, जैसे कि जो फंक्शंस हमने देखे उसका पूरा एक एक कंसिडर करेंगे एज अ नेटवर्क एप्लीकेशन और नेटवर्क इंटरफेस बोल सकते हैं उसको. नेटवर्क का इंटरफेस हमें इसके अंदर प्रोवाइड होगा. एंड लास्ट इज एन यूजर इंटरफेस, वो भी दो पार्ट है, एक तो लोकल और एक रिमोट. ओके, लोकल इन द सेंस सेम मशीन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है, एंड रिमोट इन द सेंस वाया यूजिंग ए इंटरनेट रिमोट प्लेस के ऊपर यूजर इंटरफेस हैंडल कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. इंटरफेस क्या है, डायग्राम इजी है, वही इंटरफेस जो हमें देखने, वही उसके नाम्स आपको यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करने हैं. कि फोर लेयर्स, फर्स्ट लेयर्स हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर प्लेन. फर्स्ट इज एन नॉर्थ बाउंड. ओके, नॉर्थ बाउंड क्या था, जैसे लाइक नॉर्थ बाउंड एप्लीकेशन एनेबल टू एक्सेस अ कंट्रोल प्लेन फंक्शन एंड सर्विसेज विदाउट नीड टू नो द डिटेल ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्किंग स्विचेस. कि जैसे लाइक नॉर्थ बाउंड हमने देखा था कि फोर टाइप्स के बाउंड हमने देखे थे, नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड. ओके, नॉर्थ बाउंड हमें क्यों यूज होता है, फॉर एन इंटरेक्शन बिटवीन और अ कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड कंट्रोल. कि दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर करना होगा या एक्सेस प्रोवाइड करना होगा, एक्सेस एप्लीकेशन को एक्सेस देने के लिए हम नॉर्थ बाउंड इंटरफेस यहाँ पे यूज करने वाले. टिपिकल द नॉर्थ बाउंड इंटरफेस प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ अ नेटवर्क रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द सॉफ्टवेयर इन द एस डी एन कंट्रोल प्लेन. एस डी एन एंड कंट्रोल प्लेन के अंदर जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले उसका एक प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट व्यू हमें कौन प्रोवाइड करता है, वाया नॉर्थ बाउंड इंटरफेस. कि इफ हमारे पास नॉर्थ बाउंड इंटरफेस नहीं होगा सो हम हमारे कंट्रोल प्लेन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो बेसिकली हमें फॉरेन कम्युनिकेशन पर्पज यहाँ पे नॉर्थ बाउंड इम्पॉर्टेंट है, जो कंट्रोल प्लेन से कम्युनिकेट करने के लिए. कि अल्टरनेटिवली और एक यहाँ पे दिया गया है, जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन कुड बी रन ऑन अ रिमोट सिस्टम एंड द नॉर्थ बाउंड इंटरफेस इज अ प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट कनेक्ट द एप्लीकेशन टू अ कंट्रोल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. के NOS से हमें कनेक्ट करने के लिए या API प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ बाउंड इंटरफेस हमें यूजफुल होने होता है. कि बोथ आर्किटेक्चर आर लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड जस्ट लाइक REST API हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जैसे लाइक REST API क्या है और नॉर्थ बाउंड इंटरफेस का क्या कनेक्शन है वो आपको जानने के लिए जो नॉर्थ बाउंड का इंटरफेस का वीडियो है, इन द सेंस जो सेशन है वो आपको देखना पड़ेगा. उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं. नॉर्थ बाउंड एंड REST API का है, दोनों भी आप उसके अंदर देख सकते हैं. देन सेकेंड इंटरफेस दैट इज एन अ नेटवर्क सर्विसेज एब्स्ट्रैक्ट लेयर. ओके, इस लेयर के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कि नेटवर्क है हमारा. ओके, तो नेटवर्क का एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स, तो एक कौन से दो लेयर्स क्या ऊपर कम्युनिकेशन करने वाला है, सेम जो हमारा कंट्रोल एंड एप्लीकेशन प्लेन होगा,
describe its layer that provide a services abstract that can be used by application and services. कि जितने भी numbers of applications और services हम use करने वाले उसका एक proper abstract view हमें यहाँ पे provide करने वाला है हमारा network service services abstraction layer. okay, जितने भी numbers of application हो सकते हैं सर्विसेज हो सकते हैं सभी हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे. ओके, दिस लेयर कुड प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज दैट हाइड द डिटेल्स ऑफ अंडरलाइंग डेटा प्लेन डिवाइसेज. जो इंफॉर्मेशन डेटा प्लेन डिवाइसेज के अंदर हमने मिली नहीं, ओके, सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करने वाला है. ओके, दिस लेयर कुड प्रोवाइड जनरलाइज व्यू ऑफ कंट्रोल प्लेन फंक्शनैलिटी. जो भी हमारे कंट्रोल प्लेन की फंक्शनैलिटी होगी उसका जनरलाइज इन द सेंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मतलब प्लेन एप्लीकेशन प्लेन को प्रोवाइड करेगा. सो दैट द एप्लीकेशन कुड बी रिटर्न दैट वुड ऑपरेट अक्रॉस रेंज ऑफ कंट्रोलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करना होगा यूज करना होगा हम इजीली यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, द दिस फंक्शनैलिटी इज सिमिलर टू दैट द हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर दैट डिकपल एप्लीकेशन फ्रॉम अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर. ओके, सिमिलर जो भी हमारा हाइपरवाइजर यूज कर सकते हैं या वर्चुअल मशीन यूज करने वाले जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट यूनिट में आने वाला है तो उसके अंदर भी हमें नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्शन लेयर यूज होने वाला है फॉर एंड हाइपरवाइजर एंड वर्चुअल मशीन. कि उसके भी डिफरेंट नंबर्स ऑफ सर्विस जो हम एक्सेस करने वाले या एप्लीकेशन एंड कंट्रोल के बीच में कम्युनिकेट होने वाले सभी हमें वाया एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नेटवर्क सर्विसेज एब्स्ट्रैक्ट लेयर के अंदर मिलने वाले. दिस लेयर कुड प्रोवाइड अ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैपेसिटी दैट अलाउ अ डिफरेंट दैट अलाउ द डिफरेंट व्यू ऑफ अंडरलाइंग डेटा प्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो नॉर्मल डेटा प्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था उसके अंदर डिफरेंट वराइटी ऑफ डेटा और डिफरेंट व्यूज हमें प्रोवाइड करने वाला है नेटवर्क सर्विस एब्स्ट्रैक्ट लेयर. देन नेक्स्ट इज एन नेटवर्क एप्लीकेशन. के सिंपल दो ही बचे द नेटवर्क एप्लीकेशन. देयर आर मेनी नेटवर्क एप्लीकेशन दैट कुड बी इम्प्लीमेंट फॉर एन SDN. जैसे लाइक सिक्स देखे थे हमने डिफरेंट जो नेटवर्क के एप्लीकेशन है नेटवर्क के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए सिक्स कैटेगरी देखे थे. कौन कौन से सिक्स कैटेगरी है रिवाइंड करके आप देख सकते हो. कि जस्ट लाइक फर्स्ट इज द डेटा सेंटर नेटवर्किंग, मोबाइलिटी वायरलेस, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी. की डिफरेंट सिक्स टाइप्स हमने देखे थे हमारे नेटवर्क एप्लीकेशन के वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. देन लास्ट इज एन यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस ऑब्वियसली यूजर कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज करने वाला है. तो यूजर इंटरफेस अनेबल अ यूजर टू कॉन्फिगर अ पैरामीटर इन SDN applications. That and to interact with the application that support a user interaction. User को interact करने के लिए एक specific user interface हम यहाँ पे क्या करेंगे provide करेंगे. And again these are the two possible interface. यहाँ पे दो possible of interface हो सकते हैं just like local and remote. Okay, the users that are co-locate with the SDN application server. In this sense जो SDN application server के साथ कि सर्वर के पास है उसको हम क्या बोलेंगे लोकल. एंड रिमोटली कहा आपसे वाया इंटरनेट उस सर्वर को एक्सेस कर रहा है देन उसको हम बोलेंगे रिमोट. ओके, देन इफ आपको इस एप्लीकेशन प्लेन के अंदर कोई भी क्वेरी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या कोई सजेशन होगा तो भी हमें बता सकते हैं. हम हमारे वीडियोज के अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे. देन इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी कोई आपको हेल्प हुई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं सिमिलर टॉपिक के वीडियोस के लिए. या कोई सजेशन होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम उस टाइप के वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. सो लाइक करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो फॉर सिमिलर न्यू अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.